बंदे को डॉक्टर साहब से नहीं, डॉक्टर साहब आज आ नहीं सकते, इसलिए काम नहीं किया था। तो रुक जाए पूरी, ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ सर आपसे, हम ऐसा है, हमसे आप डबल करने जा रहे हो सर, ऐसा है ऐसा है डॉक्टर साहब, देखो ये ना एक जैन समाज का सर, ऐसा है कि हमें मैडम संगीता रानी को आँखों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम दिखाने आए, डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको मोतियाबिंद है और इसका ऑपरेशन होगा, तो मैडम जो है स्टार हेल्थ की उनके पास पॉलिसी है और ये उनका टाई अप है उनके साथ पैनल का, हम दिखाने आए तो कहने लगे अगर आप स्टार हेल्थ में कराना है तो हमें उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है, तो इन्होंने मंजूरी ली, मंजूरी के डॉक्यूमेंट हमारे से साइन करा लिए और ये कहा कि कोई ऑफ लेंस गलत है उसके 20,000 रुपये काउंटर पर जमा करा लिए, जो ऑपरेशन से 4-5 दिन पहले ले ली, हमने पूछा भी लेंस आ गया तो, और वो उनके पास परमिशन आई 28 दो को इन्होंने बुलाकर, और 1 दिन को हम इनके पास आ गए 11:30-11 बजे हम इनके पास पहुंच गए, 2-3 घंटे डॉक्टर साहब ने अपना जो भी मरीज को ट्रीटमेंट देना था वो दिया, 1:30-2 बजे के करीब जैसी ओटी के लिए तैयारी हुई तो स्टाफ आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब ने कहा कि 10,000 रुपये और जमा करा, काउंटर पर 10,000 रुपये लेके हम गए जमा करवाने के लिए, तो बेटे ने कहा कि बिल दोगे, कहने लगे जी नहीं स्टार हेल्थ के हुई हम तो बिल देंगे जितने का, तो हमने कहा कि आप पक्का नहीं देते तो हमें लिख के तो दोगे ना कि आप हमसे 50,000 रुपये ले रहे हो, 20 सुनने में स्टार हेल्थ देते और 30 हमारे से ले रहे हो, इतनी बात थी। इतने में मैडम आई डॉक्टर सुनीता गुप्ता, हम आए प्राइवेट नंबर 1 में और कहने लगी हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे आप जा सकते हो, और उन्होंने, मैंने कहा मैडम बैठ के बात कर लेते क्या बात है क्या नहीं है, इतनी क्या बात है, और वो मेरी पत्नी जो है शुगर की बीपी की और हार्ट की पेशेंट है, मैदानता से उनको जबकि रिंग डला हुआ है, स्टंट डला हुआ है, 5-6 साल हो गए, अगर मेरे मरीज को उस टाइम एट दी स्पॉट कुछ भी हो जाता, उन्होंने बाहर कर दिया और बदतमीजी से पेश आई और कहने लगी स्टार हेल्थ से हमें कुछ नहीं मिलता, मेरी मदर का भी ऐसे ही हुआ था, बीमे वाला कुछ नहीं देते और हमें बाहर निकाल दिया। ये डॉक्टर राजन आई एंड हार्ट हॉस्पिटल का है जी, तो क्या हैदराबाद में लूट का ये धंधा है, जैसे हम स्टार हेल्थ से दे दो हमें 30,000 और लेके जो बिलिंग नहीं देना, इससे ये पता लगता है कि ये सिर्फ एक कमाई के अड्डे बने हुए हैं ना कि एक सेवा के अड्डे हैं, जाके होनी तो सेवा चाहिए, मां मरीज को निकाले, मैं इसके साथ ही थैंकफुल होऊंगा डॉक्टर राहुल सिंगला का, हम जिनके पास उनको मिसेज को लेके गए और उन्होंने तुरंत ही ऑपरेट कर दिया बिना कुछ पूछे बिना कुछ किए, वो जानते थे बोले जैन साहब इस पोजिशन में इनका ऑपरेशन होना जरूरी था क्योंकि इनकी आग के अंदर सभी दवाइयाँ डल चुकी है, तो क्या नुकसान, बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था, मैं तो सरकार से मेडिकल टीम से स्वास्थ्य मंत्रालय से और CMO फतेहबाद से और स्टार हेल्थ की पुलिस अधिकारियों से कहूँगा कि इनके साथ कोई भी कांटेक्ट ना करें, और जो भी व्यक्ति आज तक, मैं तो ये कहूँगा पिछला 2-3 साल का इनका रिकॉर्ड पूरा खंगाला जाए, जो आयुष्मान के तहत हुए स्टार प्लस के तहत हुए उन पॉलिसी धारकों को बुलाया जाए, आयुष्मान वालों को बुलाया जाए कि इन्होंने उनके साथ क्या क्या कर रखा है, ये तो मैं एक समाज का समाजसेवी व्यक्ति जिनको वो मुझे तरह पर्सनल तौर पे बड़ी अच्छी तरह से, आज से नहीं पिछले 30 सालों से जानते हैं, 20 सालों से मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, जब मेरे साथ वो एक ऐसा हादसा कर सकते हैं मेरी फैमिली के साथ तो आप सोचो उनका क्या होगा, करके आ रहा हूँ मैं मेरी ही मदर थे जिनके साथ ये हादसा हुआ और अभी मैं बात करके आया हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये चीज़, उसके बाद भी अभी भी एग्रेसिवली बात कर रहे हैं कि ये क्या बात होती है आप पेशेंट को ले जाइए ऐसे है, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई माफ़ी नहीं मांग रहा है अभी भी पत्नी जी, मैं सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके पिछले 10 दिन की जो CCTV की रिकॉर्डिंग है वो ली जाए, जो मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ मिसबिहेव किया है उसको देखा जाए, उसमें ये कैसे बदतमीजी कर रहे हैं और ये कैसे ये डिलीट भी कर सकते हैं, मुझे अंदेशा ही है क्योंकि इनमें इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो डिलीट भी कर सकते मुझे अंदेशा है, इसलिए शासन प्रशासन से मैं कह रहा हूँ वो तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन में आते हुए CMO डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनको देखें। मेरा नाम उमेश जैन है, प्रधान SS जैन सभा से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या मामला है? मामला है हमारे फैक्ट्री महासचिव का मिसिज का आंखों का ऑपरेशन होना था,
उन्होंने मतलब है उनको 50,000 रुपये फीस बताई, 20,000 पहले जमा करा लिए, 20,000 इंश्योरेंस में कहूँगे हमें मिलेंगे। उनको एडमिट भी कर लिया, उनके सब मतलब दवाई वगैरह डाल दी आंखों में, कट का निशान लगा दिया। बाद में कहने लगे 10,000 और जमा कराओ, उन्होंने 10,000 भी दे दिए। उनके लड़के ने बोला आज भी 10,000 रुपये की हमें मैडम के 30,000 की कोई रसीद वगैरह दे दो, रसीद कोई नहीं मिलेगी उनका आपको। बल गए आराम से कहा मैडम हमें इनका कोई 30,000 की रसीद या कोई वो दोगे कच्चे कागज पे, हम कुछ नहीं देंगे। फिर कहा आप अपने यहाँ अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाओ, और इन्होंने तुरंत पेशेंट को कह दिया अपने पैसे लो 20,000 और बाहर निकलो। वो बाहर आ गए, उनको हमें पता नहीं था इस बात के बारे में। इन्होंने आज सुबह हमसे बात करी तो हम इसलिए बात करने के लिए डॉक्टर साहब के पास आए थे, डॉक्टर साहब मिले नहीं। मैडम सुनीता से बात करने के लिए हम 3 आदमी आए, उनके राम से बात करने के लिए क्या मैटर है, परंतु वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। मैंने ये भी कहा मैडम अगर 20-30,000 रुपये आपको नहीं भी मिलते तो क्या दिक्कत थी, क्यों हम क्यों करें फ्री में इलाज नुके, हमारे पास कोई धर्माधा नहीं खोल रखा, फ्री का तो काम नहीं है, हमारा क्या काम है फ्री का नुके, स्टार हेल्थ का काम है, स्टार हेल्थ का काम है, हम वहाँ से कैसे करेंगे, आप यहाँ से बाहर चले जाओ, स्कीम या कुछ नहीं जी, सब फ्रॉड है जी। हम तो नॉर्मली बात करने के लिए 3 आदमी आए थे जी, हमने मैडम को ये भी बोला जी बाहर हमारे सब आगे 25-30 आदमी और खड़े हैं, आ जाएंगे मेरा क्या करेंगे, हम मीडिया को बुलाएंगे, फिर बुला लो जिसको बुलाना हो आपने, ऐसे कह के हमारी बेइज्जती की है इन्होंने बहुत, जो कि डॉक्टर के लिए शर्मसार की बात है। इन्होंने पहले भी बहुत गलत काम किए हुए हैं, उसका हमने कदम तो यही है कि हम तो इनका इनको सबक चलना चाहिए गलत काम किया जो जो इन्होंने देखिए ऐसा है कि आजकल इंश्योरेंस कंपनी के जो एम्पैनलमेंट होती है उसमें पेमेंट के दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरा बिल जो हम काम कर देते हैं उसके बाद पूरा बिल रेज करवाओ और उसको रीएम्बर्स करवा लो। इन्होंने कहा हमें कैशलेस करवाना है, तो कैशलेस के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी का एक फिक्स पैकेज होता है, तो हमने उनकी प्रीऑथ डाली तो वो सिर्फ 20,000 का स्टार हेल्थ में आंखों के लिए सिर्फ 20,000 का पैकेज आता है, जबकि इनको एक महंगे वाला लेंस डलवाना था जो कि ऑर्डर पर आया। तो इन्होंने हमें कहा कि हमें 20,000 तो स्टार हेल्थ वाले जैसे जब भी देते हैं वो देते हैं कि जो एक्स्ट्रा मनी है उसका बिल दीजिए। आप बताइए कि जो अब मान जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी वाले हमें जो पेमेंट दे रहे हैं उसके अलावा जो खर्चा है, हमने इनको पहले ही कहा था कि या तो आप कंप्लीट बिल लेके उसको रीएम्बर्स कराओ, लेकिन जो एक्स्ट्रा मनी है जो हम आपसे ले रहे हैं उसका हम आपको कच्चा बिल नहीं दे सकते जो स्टार हेल्थ वाले पेमेंट। और ये बात इनको पहले बहुत अच्छी तरह से समझा दी गई थी, इसी के बाद तो क्या मरीज को मरता छोड़ दोगे आपकी मतलब? नहीं, इसमें कोई लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं था। देखिए लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं था, ये तो इनको भी सोचना चाहिए था। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे और इनका नंबर दूसरा या तीसरा ही था, और इन्होंने ओटी में भी घुसने की कोशिश करी कि हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नहीं, झूठ साहब। और इन्होंने ये कैसे कह दिया मैडम जी अभी अपने पैसे लो गेट आउट। और मैं तो देखिए डॉक्टर साहब के मरीजों से कोई मतलब ही नहीं रखती, सारे स्टाफ ने बहुत बार ये बात समझाई कि या तो आपको पूरा बिल लेना है और या आपको अब जो अगर आप कैशलेस करवाते हैं तो जो स्टार हेल्थ दे रही है वही उतना ही हम आपको बिल देंगे। तो ये माने नहीं, तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब कहीं ओटी में टेंशन में नहीं आ जाएं। मैंने इनको कहा कि आप अपनी पेमेंट लो, क्योंकि सारा स्टाफ इनको समझा के हार चुका था। तो मैंने कहा भाई आपको तो अगर पेशेंट वो मर जाता फिर नहीं, इसमें जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है या आंख की कोई भी इंजरी होती है, लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं था। मैंने क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट नहीं, मैंने पेशेंट को प्रॉपर चेक करके बीपी शुगर कंट्रोल करके हमने उनको ओटी के लिए लिया हुआ था। ये कोई इमरजेंसी लाइफ एंड डेथ वाली सर्जरी नहीं थी, जिसके लिए कि भी हमने इनको जब हमें लगा कि ये नहीं मान रहे ऑपरेशन के बाद अगर ये हंगामा करते तो हम क्या कर लेते, इसलिए हमने तो आपने भगा दिया इनको। नहीं, हमने कहा भी आप अपने पैसे लो किसी और अस्पताल से करा लो। ये इनका कहना है कि गेट आउट भी कहा गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर आप माफी किस चीज़ इन्होंने हमें कहा कि हमारे हम तो जी आपके हस्बैंड को जैन समाधि में लाए, आपका कारोबार चलाया। मैंने कहा तुमने हमें डॉक्टर नहीं बनाया, हमारे मेरे आज के दिन में जो भी कुछ हूँ मेरे माँ बाप की दया से हूँ और वो जैन समाधि वाले बाबा जी की दया से हूँ, लेकिन इनका उसमें कोई रोल नहीं है। आज अगर मैं आप डॉक्टर साहब ठीक है तो आप उनसे तो जब ये मेरे देखो आज मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है और ये देखो इतने जने लोग मैं इनसे माफी मांग रही हूँ तो कह रहे घर आके माफी मांगो।
ये कोई तरीका है एक औरत से डील करने का? अब 50 जने मेरे सिर के ऊपर आके, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, आपने सॉरी तो रुक जाए पूरी बंदा स्टाफ का नियर क्या है